पूर्व सैनिक कल्याण समिति का एक प्रतिनिधि मंडल प्रदेश अध्यक्ष सूबेदार चंद्र प्रकाश की अध्यक्षता में डीसी से मिला तथा उन्होंने स्वतंत्रता सेनानी स्वर्गीय सिपाही दुर्गा सिंह के घर पर सड़क बनाने हेतु ज्ञापन सौंपा। समिति के प्रदेश अध्यक्ष सूबेदार प्रकाश चंद ने बताया कि स्वतंत्रता सेनानी स्वर्गीय सिपाही दुर्गा सिंह ने दोनों विश्व युद्धों में कठिन परिस्थितियों में देश को आजाद करवाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। स्वर्गीय सिपाही दुर्गा सिंह सुभाष चंद्र बोस की सेना के सच्चे और ईमानदार सिपाही थे। उन्होंने कहा कि द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान सिपाही दुर्गा सिंह सहित सैकड़ों भारतीय सैनिकों को अंग्रेज सेना ने बंदी बनाकर जेलों में बंद कर दिया था। उन्होंने बताया कि सिपाही दुर्गा सिंह को 15 अगस्त 1972 को भारत सरकार ने तांबा पत्र द्वारा सम्मानित किया था। उन्होंने कहा कि उनके घर तक पक्की सड़क का निर्माण करने के लिए लोक निर्माण विभाग को शीघ्र अतिशीघ्र आदेश जारी किए जाएं ताकि स्वतंत्रता सेनानी का सम्मान बरकरार रखा जा सके। आज पूर्व सैनिक कल्याण समिति का शिष्टमंडल जिला उपायुक्त श्री विवेक भाटिया जी से मिलेगा और स्वतंत्रता सेनानी स्वर्गीय श्री दुर्गा सिंह के नाम से सड़क बनाने का आग्रह करेगा। स्वतंत्रता सेनानी श्री दुर्गा सिंह सुभाष चंद्र बोस की सेना में कार्यरत थे और इन्होंने बड़ी कठिन परिस्थितियों में देश को आजाद कराने के लिए अपनी अहम भूमिका निभाई है। स्वतंत्रता सेनानी दुर्गा सिंह ने दो विश्व युद्धों में अपनी पूरी ताकत के साथ लड़ाई लड़ी और उसके बाद घर आने के बाद आज हम सरकार से आग्रह करते हैं कि उनके सम्मान हेतु सड़क का निर्माण किया जाए, क्योंकि 15 अगस्त 1972 को स्वतंत्रता सेनानी श्री दुर्गा सिंह को तत्कालीन प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी द्वारा तांबा पत्र देकर के सम्मानित किया गया था, जो कि जिला बिलासपुर के लिए एक गौरव की बात है। आज हम इसी संदर्भ में जिला उपायुक्त विवेक भाटिया से मिलने जा रहे हैं। धन्यवाद।